पश्चिम चंपारण जिले के मझोलिया प्रखंड के उप प्रमुख सह समाज सुथार से सेनानी प्रकोष्ठ जदयू प्रदेश सचिव नंद किशोर यादव ने जनसेतु न्यूज ब्यूरो हरिकेश कुमार तिवारी से खास बातचीत की। इनके बारे में बता दें कि 2016 के पंचायती चुनाव में समिति पद पर चुनाव लड़ा और विजय हुए, साथ ही मझोलिया प्रखंड के उप प्रमुख भी बने। तब से लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं मझोलिया प्रखंड के उप प्रमुख नंद किशोर यादव की ही जुबानी। नमस्कार, मैं हरिकेश कुमार तिवारी, आज मैं पहुंचा हूं पश्चिम चंपारण जिले के मझोलिया प्रखंड, और इस प्रखंड से मैं आज पहुंच चुका हूं गुदरा पंचायत। इस पंचायत के मैं बारे में बता दूं, इस पंचायत में आने से पहले आपको पूर्वी चंपारण जिला को पार करके तभी आप इस पश्चिम चंपारण के जो पंचायत है गुदरा पंचायत यहाँ आ सकते हैं। आज मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं, मैं इनके बारे में बता दूं, ये है नंद किशोर यादव, जो मझौलिया प्रखंड के उप प्रमुख हैं, सह जदयू प्रदेश सचिव सामाजिक सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के जदयू से हैं, और इन्होंने प्रथम बार पंचायत समिति का चुनाव भी लड़ा, काफी जीत हासिल की। तब से अभी तक इनके द्वारा विकास का काम किया जा रहा है। आज इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि कितनी कठिन और कितनी मेहनत करके इस पंचायत को खूबसूरत बनाने का काम जो किए हैं। ये है नंद किशोर यादव जी। नमस्कार नंद किशोर यादव जी, आपको नमस्कार। सबसे पहले सर, मैं आपसे जानूंगा कि आप अपने बारे में परिचय थोड़ा देते हमारे दर्शकों को। पूर्व में ही मैं सामाजिक कामों में रुचि रखता था जी। 2016 में मेरे पंचायत के ग्रामीणों द्वारा विशेष आग्रह पे मैं पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, उसमें जीत हासिल किया। उसके बाद मझोलिया प्रखंड में उप प्रमुख का भी चुनाव जीता और उस उप प्रमुख पद पर आसीन हुआ। तब से मैं पंचायत का, अपने पंचायत गुदरा का, जिले के, प्रखंड के और पंचायत का विकास कार्य में लगातार प्रयासरत हूँ और विकास कार्य कर रहा हूँ। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद सबसे पहला काम जो आपने किया, वो कौन सा काम था जो आपने पहला काम किया था? सबसे पहला मैं काम किया जो हमारे गांव से, पंचभिड़िया गांव जो पूर्वी चंपारण पड़ता है, यहां से आने जाने का साधन विगत 20 वर्षों से नहीं था, तो पहले इस रोड को मैं जोड़ा। उस पर बार बार बाढ़ के पानी से रोड का क्षतिग्रस्त होता था, उस रोड में मैंने पुलिया बनवाया। उसके बाद यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी समस्याएं थी, जो हम लोग के जन्म से पहले से स्वास्थ्य केंद्र जो बना हुआ था वो तितर बितर बिखर गया था। पहले पूरी ज़मीन को मैंने घेराबंदी करवाया, चार दीवारी काम करवाया, उसमें जो भी बचा मतलब वो था आवास स्थान, उसको तत्काल में मरम्मती करवाया, टाइल्स मरवा लगाया। उसमें अभी काम चल भी रहा है और आगे काम उसमें डॉक्टर बिठाना, दवाई का सुविधा उपलब्ध कराना, ये मेरा प्राथमिकता है। सर, एक चीज़ मुझे ये जानना था कि आपने बोला कि पूर्वी चंपारण को सीमांकन को जोड़ा ब्लॉक को जाने के लिए, ये क्या समस्या है? इस समस्या ये है कि हमारा जो पंचायत गुदरा है मझौलिया से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। जो हम लोग मझौलिया से पश्चिमी चंपारण पड़ता है, वहाँ से सुगौली होकर जो पूर्वी चंपारण पड़ता है, वहाँ से होकर फिर हम लोग गाँव में आना होता है, जो कम से कम 20 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। अगर हमारी गुदरा पंचायत से बैराटपुर नज़दीक है, जो सीधे यहाँ से 5-6 किलोमीटर के आसपास मझौलिया पड़ जाएगा, और यहाँ से ब्रिज बना दिया जाए नदी पे, तो यहाँ के ग्रामीणों के लिए काफ़ी सुविधा हो सकता है। कोई भी समस्या ब्लॉक तक पहुँचाने में किसी भी ग्रामवासी को कोई समस्या नहीं आएगा, यहाँ पर ब्रिज की आवश्यकता है। ये समस्या है तो इसकी समाधान के लिए आप एक ऐसे प्रमुख हैं, कभी लेटर पे पैड पे लिखा या डीएम को शिकायत किए हैं? हाँ, इसके लिए हमने शिकायत किया है, डीएम साहब को लिखा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी लिखा है। अब आगे क्या होता है तो आगे समय बताएगा। ये है नंद किशोर यादव, जो कि मझौलिया प्रखंड के उप प्रमुख हैं। इनके बारे में मैं और बता दूँ,
कोविड-19 के कहर में इनके द्वारा लगातार गरीबों असहायों को सेवा इन्होंने लगातार किया। पश्चिम चंपारण जिले के लगभग अमूमन सभी इलाकों में इनके द्वारा सैनिटाइजर इत्यादि बांटा भी दिया, लोगों को सूखा राहत भी दिया गया। तो इन्हीं की जुबानी सुनते ना क्या है और लॉकडाउन में कैसे लोगों के साथ इस तरह का सेवा भावना कर रहे थे। सर एक चीज़ और है, आपके द्वारा कोविड-19 के कहर में भी लगातार गरीबों की सेवा किया गया, वो कैसे संभव आया? जब 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया, संपूर्ण लॉकडाउन पूरा भारत में, उस समय हमारे पंचायत से लेकर प्रखंड के बहुत क्षेत्र ऐसा थे जहाँ पे लोग मास्क और सैनिटाइजर खरीद नहीं पाते थे। वहाँ पे हमने घूम घूम के वहाँ पर मास्क सैनिटाइजर बंटवाया, अपने पंचायत में बंटवाया। इस महामारी से जूझने के लिए कुछ लोगों को मैंने राशन उपलब्ध कराया, इत्यादि काम करते आ रहा हूँ, समाज से जुड़ा है। आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है, आप उपजी पार्टी में भी हैं, लेकिन आगे पंचायत की जो चुनाव होंगी उसमें आपकी क्या अहम भूमिका होगी? आगे के चुनाव, आगामी पंचायती राज चुनाव में मैं जिला परिषद में से चुनाव ग्रामीणों के आग्रह पर लड़ने वाला हूँ और उसमें ग्रामीणों के सहयोग से मैं जीत हासिल करूँगा। बस आय यही है। तो आप जब जीत जाएंगे तो क्या कौन से आपके मन में खटक रहा है जो जिला परिषद लड़ाई लड़के जीत के उसको कौन सा एजेंडा काम होगा जो पहले आप करना चाहेंगे? पहले प्राथमिकता ये मेरा रहेगा जो मेरा एक पंचायत है बुधरा, जो मेरा जिला परिषद क्षेत्र में 7 पंचायत है, इसमें बुधरा और डुमरी बैराटपुर ये जो रूट बिल्कुल बंद है, जो जिला परिषद क्षेत्र का पंचायत के अंदर आता है, इसको ब्रिज का मैं अनुशंसा करवाने की कोशिश करूंगा। चेयरमैन साहब से बनेंगे उनसे और मंत्री मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा जो समय होंगे मुख्यमंत्री जी, और इसमें ब्रिज बनवाने का काम करूंगा। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर जी, आप जिस पंचायत में हैं यहाँ पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है और बाढ़ आने के कारण सबसे ज़्यादा किसान मरम होते हैं, किसान का उपज जो है दह जाती है, और आप जिला परिषद के कैंडिडेट बता रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, जिस पंचायत से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहाँ भी बाढ़ की हरदम समस्या होती है, तो इसकी निजात कैसे आप दिलाएंगे? इसकी निजात के लिए सर्वप्रथम हम रिंग बांध मेरे क्षेत्र में जो भी मेरे कार्यकाल क्षेत्र होगा उसमें रिंग बांध का निर्माण करवाऊँगा, डैम बनवाऊँगा जिससे किसानों को फायदा हो सके और जो क्षति होता है बाढ़ के कारण प्राकृतिक आपदा के कारण उससे निजात मिल सके, मेरा प्राथमिक पहला प्राथमिकता यही रहेगा। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि बाढ़ आया था तो यहाँ पे आगमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया था, तो उसको आपने कैसे चालू हुआ या नहीं? नहीं चालू हो गया, अभी पूरा चिंझपटी एक गांव पड़ता है जो पूर्वी चंपारण में, वहाँ से लेके हमारे गांव तक आने के लिए काफ़ी जगह रोड टूट गया था, जो हम अपने निजी पैसे से उस रोड का मरम्मती करवाया ताकि वहाँ से गाड़ी आने में कोई सुविधा ना हो असुविधा ना हो, और वहाँ से आज पूरा सुचारू रूप से आप खुद देख सकते हैं जाके, यहाँ पर कोई रोड आने जाने में किसी को कोई तकलीफ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये थे नंदकिशोर यादव जो मझौलिया प्रखंड के उप प्रमुख हैं, सह जदयू के प्रदेश सचिव हैं, सामाजिक सुधार सेनाली प्रकोष्ठ, तो इनके द्वारा लगातार सामाजिक कार्य किया जा रहा है, समाज में बने रहते हैं, स्वयं गांव में आ रहते हैं और यहाँ से लोगों का विकास करते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे नेता को उभरना चाहिए, लोगों को समर्थन करना चाहिए। तो ये थे नंदकिशोर यादव, बेतिया से आदित्य कुमार शर्मा के साथ हरिकेश कुमार तिवारी, पश्चिम चंपारण बिहार।